हेलो एवरीवन। सो गाइस, एक पैराग्राफ राइटिंग देख लेते हैं, कैसे हम ट्रांसलेट करेंगे। देखिए यहाँ पे लिखा है कि एक बार की बात है। अब पहले यहाँ से शुरू करते हैं। इसके लिए वही रटी रटा इंग्लिश होती है, हम कैसे बोलेंगे, वंस अपॉन अ टाइम, ये हो गया हमारा। अब देखिए, तीन दोस्त थे। अब इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे, इसको आप देर से उठाइए। तीन दोस्त थे मतलब देयर वर थ्री फ्रेंड्स, छोटा सा है। अब देखिए, एक दिन उन्होंने उन्होंने एक ऐसे खजाने के बारे में सुना जो एक जंगल में छुपा हुआ था। अब यहाँ तक देखते हैं। तो एक दिन उन्होंने, एक दिन मतलब वन डे उन्होंने एक ऐसे खजाने के बारे में सुना जो जंगल में छुपा हुआ था। तो उन्होंने सुना मतलब दे हर्ड अबाउट अ ट्रेजर जो जंगल में छुपा हुआ था। अब यहाँ पर हम एक रिलेटिव प्रोनाउन लगाएंगे, विच वॉज, छुपा हुआ था। ये हमारा स्टेट ऑफ बींग है, कोई छुपा हुआ है, यू नो, तो छुपा हुआ मतलब वो एडजेक्टिव हम हिडन लगाएंगे, थर्ड फॉर्म लगाएंगे। तो हमें लगाना कि विच वॉज हिडन, तो विच वॉज हिडन इन द फॉरेस्ट, जंगल में छुपा हुआ था। मतलब लोगों को पैसिव जैसा भी लगता है कई बार। अगर मैं बोलूँ कि एक कुर्सी टूटी हुई थी तो आप कैसे बोलोगे, चेयर वॉज ब्रोकन। तो ये स्टेट ऑफ बींग है। तो कोई चीज़ अगर छुपा हुआ है तो थर्ड फॉर्म में दिखाई, अगर दुकान बंद है तो थर्ड फॉर्म में दिखाई, द शॉप इज क्लोज्ड, ऐसे हो गया ये। वन डे दे हर्ड अबाउट अ ट्रेजर विच वॉज हिडन इन द फॉरेस्ट। वे लोग वहाँ गए और खजाने को ढूंढ निकाला। तो ये आपका कैसे बनेगा, वे लोग वहाँ गए, दे वेंट देयर एंड फाइंड का सेकेंड फॉर्म हो जाएगा फाउंड। तो फाउंड आउट या लोकेट भी कह सकते हैं, लोकेटेड द ट्रेजर, ट्रेजर हो गया, ढूंढ निकाला। खजाने को देखकर वो खुशी, अच्छा, खजाने को देखकर उनके खुशी का ठिकाना ना था, यहाँ लग देते हैं, उनके खुशी का ठिकाना ना था। तो कैसे हो जाएगा, खजाने को देखकर, आप यहाँ पर प्रेजेंट पार्टिसिपल लगाइए, सीइंग द ट्रेजर, कॉमा लगाइए, उनके खुशी का ठिकाना ना था, यानी कि वो बहुत ज़्यादा खुश थे। तो बहुत ज़्यादा के लिए क्या होता है, एक वर्ड होता है एक्सटैटिक, ओवर द मून, और क्या हो सकता है, ब्रीमिंग ओवर विद जॉय, यू नो, ऐसे भी हो सकता है। तो कैसे बोलेंगे, या तो बोल दीजिए कि देवर, या तो देवर एक्सटैटिक, एक्सटैटिक ये हो सकता है, क्या हो सकता है कि देवर ड्रीमिंग ओवर विद जॉय, खुशी के मारे एकदम उछल रहे थे, ब्रीम ओवर हो रहे थे, मतलब जो एक किस जैसे ग्लास या कप में जो एक किनारा होता है उससे जब ज़्यादा कुछ हो जाए तो उछलने लगता है ना, गिरने लगता है, उफनने लगता है, बहने लगता है, वो उस उतने खुशी को दिखा रहा है, ऐसे बोल सकते हैं। नहीं तो देवर ओवर द मून, स्टेट ऑफ बींग लगाइए, बोल दीजिए कि देवर ओवर द मून, बहुत तरीके होते हैं। ठीक है, हो गया। उन्होंने खजाने को आपस में बराबर बराबर बांटने का फैसला किया, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो कैसे हो जाएगा, दे डिसाइडेड टू, बांटना मतलब डिवाइड करना, दे डिसाइडेड टू डिवाइड द ट्रेजर आपस में अमंग, अच्छा बराबर बराबर मतलब इक्वली भी आप लगा सकते हैं, दे डिसाइडेड टू डिवाइड द ट्रेजर इक्वली आपस में अमंग देमसेल्व्स आपस में। ओके, अब देखिए, उनमें से एक ने कहा, मैं बाजार से कुछ खाने को ले आता हूँ, उसके बाद हम खजाने को आपस में बांट लेंगे। अब यहाँ पर डायलॉग बाजी दिखाई गई, तो उनमें से एक ने कहा, तो हम बोलेंगे वन ऑफ देम सेड, यहाँ कॉमा लगाइए। अब इसको पूरा डायरेक्ट स्पीच में बोली कि मैं बाजार से कुछ खाने को ले आता हूँ, ले आता हूँ मतलब लेने जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू फेच समथिंग
फ्रॉम द मार्केट टू ईट, यानी कि मैं बाजार से कुछ खाने को लेने जा रहा हूँ, ये फीलिंग आ रहा है, आई एम गोइंग टू फेच समथिंग फ्रॉम द मार्केट टू ईट। अच्छा, उसके बाद खजाने को आपस में बांट लेंगे, आफ्टर दैट, आफ्टर दैट हम बांट लेंगे, मतलब वी विल डिवाइड द ट्रेजर आपस में, अमंग आर सेल्फ। हो गया, चलिए। वो बाजार चला गया, उसी बीच उसके दोनों दोस्तों ने उसके खिलाफ एक षड्यंत्र रचा। यहां तक चलते हैं, आइए। वो बाजार चला गया, कैसे होगा, ही वेंट टू मार्केट। उसी बीच मतलब मीनवाइल उसके दोनों दोस्तों ने, हिज बोथ द फ्रेंड्स भी कह सकते हैं, टू ऑफ हिज फ्रेंड्स, तो हिज बोथ फ्रेंड्स, ये चलिए ऐसे कर लेते हैं, टू ऑफ हिज फ्रेंड्स, यानी कि टू ऑफ हिज फ्रेंड्स का मतलब कि उनके दोस्तों में से दो ने हो जाएगा, लेकिन मैं मुझे दिखाना है कि बच्चे सिर्फ तीन थे तो दो ही बचे थे ना, तो उसके दोनों दोस्तों ने, हिज बोथ फ्रेंड्स ज़्यादा अच्छा, हिज बोथ फ्रेंड्स उसके खिलाफ एक षड्यंत्र रचा, मतलब एक लगा सकते हैं, जैसे हैच लगा सकते हैं, हैच्ड अ कॉन्स्पिरेसी, कॉन्स्पिरेसी, हैच मतलब रचना, कॉन्स्पिरेसी मतलब षड्यंत्र, तो हैच अ कॉन्स्पिरेसी कह सकते हैं। एक वर्ब आता है इसके लिए, ऑर्केस्ट्रेट भी आता है, तो दे ऑर्केस्ट्रेटेड अ कॉन्स्पिरेसी, वैसे हैच चलो छोटा सा अच्छा, दे हैज्ड अ कॉन्स्पिरेसी उसके खिलाफ, अगेंस्ट हिम, हो गया रचा। उनमें से एक ने कहा, जैसे ही वो वापस आएगा हम उसे जान से मार देंगे, तो उनमें से एक ने कहा, वन ऑफ देम सेड, जैसे ही वापस आएगा, एज सून एज ही कम्स बैक, हम उसे जान से मार देंगे, वी विल किल हिम, सिंपल हो गया। वो दोनों उसके शेयर को भी हड़प जाना चाहते थे, वे दोनों उसके हिस्से को भी हथियाना चाहते थे, बोथ ऑफ देम या दे बोथ, बोथ ऑफ देम वांटेड टू अक्वायर भी कह सकते हैं, अक्वायर, बोथ ऑफ देम वांटेड टू अक्वायर, ऑक्यूपाई, ग्रैब, कई वर्ड्स हो सकते हैं, वांटेड टू अक्वायर हिज शेयर एज वेल, वांटेड टू गेट भी लगा सकते हैं। अच्छा, जैसे ही तीसरा दोस्त खाना लेकर वापस आया, उन दोनों ने उसे एक शार्प वेपन से मार डाला। अब यहाँ पर कैसे होगा, जैसे ही, पूरी स्टोरी टेलिंग है, जैसे ही मतलब एज सून एज, एक ये लगा सकते हैं, एक इसमें एडवांस आता है, नो सूनर देन, आप लोगों ने शायद सुना हो, मैं उससे करता हूँ, कोशिश करता हूँ, हम ऐसे भी कह सकते हैं कि नो सूनर देन, तो ऐसे नो सूनर देन का मतलब कि पहले नो सूनर से एक सेंटेंस होगा, फिर देन से दूसरा सेंटेंस होगा, तो हम कैसे बोलें कि नो सूनर डिड ही कम बैक विद फूड, अब यहाँ पर देन लगाइए, देन उन दोनों ने उसे एक शार्प वेपन से मार डाला, देन बोथ ऑफ देम किल्ड हिम विद अ शार्प वेपन, ये आप नो सूनर से बना सकते हो, नो सूनर डिड ही कम बैक, नो सूनर के साथ हम हैड का भी इस्तेमाल कर सकते हो, डिड का भी लगा सकते हो, मैंने डिड लगाया, थोड़ा आसान कर दिया। उसके मरने के बाद उन दोनों ने खाना खाया, तो उसके मरने के बाद, अब इसको कैसे बोलेंगे, दो तरीके हैं, या तो आफ्टर हिज डेथ कह दो, आफ्टर हिज डेथ, आफ्टर हिज डिमाइज, ये सब, या पूरा बोलना है तो फिर आपको एडवर्ब क्लॉज आफ्टर ही डाइड कह दो, फर्क है, आफ्टर हिज डेथ, यहाँ पर आफ्टर क्या है, एक प्रेपोजिशन है, और यहाँ पर आफ्टर क्या है, एक कंजंक्शन है, कंजंक्शन है तो हमें पूरा सब्जेक्ट वर्ब दिखाना पड़ेगा, प्रेपोजिशन है तो एक छोटा सा नाउन फ्रेज लगा दिया, हो गया,
आफ्टर एक ही है, फंक्शन दो कर रहा है, कहीं प्रेपोजिशन है तो कहीं पर कंजंक्शन, तो दोनों ही तरीके आपके पास है। मैं इसको स्लैश में कर देता हूँ, तो आफ्टर हिज डेथ भी कह सकते हैं या आफ्टर ही डाइड भी कह सकते हैं। उसके मरने के बाद उन दोनों ने खाना खाया, दे बोथ या बोथ ऑफ देम खाना खाया। आप हैड फूड भी कह सकते हो, एट फूड भी कह सकते हो, मैं स्टैंडर्ड कर देता हूँ हैड फूड, बोथ ऑफ देम हैड फूड। अच्छा जी, खाने के तुरंत बाद ही वो दोनों भी मर गए। खाने के तुरंत बाद, तुरंत बाद की इंग्लिश होती है सून आफ्टर, सून आफ्टर हैविंग फूड, क्योंकि यहां पर जो आफ्टर है वो प्रेपोजिशन है, तो प्रेपोजिशन अपने बगल में जेरंड लेता है, तो सून आफ्टर हैविंग फूड, खाने के तुरंत बाद ही वे दोनों भी मर गए। बोथ ऑफ देम ऑल्सो डाइट, मर गए। अब है, तीसरे दोस्त ने सारा खजाना खुद हथियाने के लिए खाने में पॉइजन मिला दिया था, मिला दिया था, पहले यहां तक आते हैं, मिला दिया था। तो तीसरे दोस्त ने सारा खजाना हथियाने के लिए, तो लिखेंगे कि द थर्ड फ्रेंड, अब पॉइजन मिला दिया था, ये किस टेंस में दिखाया जाए, पास्ट इंडेफिनिट में कि पास्ट परफेक्ट में, क्या लगता है आप लोगों को? यहां पर पास्ट परफेक्ट आना चाहिए, क्योंकि वो पहले ही मिला दिया था, वो खाना लाने और इनके खाने से पहले उसने मिला दिया, तो पास्ट परफेक्ट में जाना चाहिए। द थर्ड फ्रेंड हैड मिक्स्ड पॉइजन टू द फूड, टू द फूड। यहां पर आप देख रहे हो कि सारा खजाना हथियाने के लिए, मतलब पर्पस को भी दिखाना है, तो कैसे बोलोगे? आपके पास इन ऑर्डर टू भी है, विद अ व्यू टू भी है, खाली टू भी है, तो देखते हैं। द थर्ड फ्रेंड हैड मिक्स्ड पॉइजन टू द फूड विद अ व्यू टू गेटिंग या अक्वायरिंग, गेटिंग ऑल द ट्रेजर। हो गया, बन गया। अब देखिए, लेकिन लेकिन खजाना किसी के हाथ न लग सका, बट नो वन कुड गेट द ट्रेजर, नो वन कुड गेट द ट्रेजर, कोई भी खजाने को नहीं ले पाया। लास्ट में लिखा है कि लालच एक अभिशाप है, लालच मतलब ग्रीड, कैसे बोलेंगे, ग्रीड इज अ कर्स, कर्स मतलब अभिशाप। तो बनकर तैयार हो गया। तो ये मैं बिगिनर्स के लिए ऐसे छोटे छोटे पैराग्राफ भी लाता रहूँगा, ताकि आपको कुछ ना कुछ तो सीखने को मिले। समथिंग इज बेटर देन नथिंग गाइस। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू गाइस, थैंक यू।